नमस्कार वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर पर फिर मंडराने लगा कोरोना का खतरा। मंगलवार को जिले में 19 नए कोरोना संक्रमित, 9 संक्रमित एक ही परिवार के। नागपुर में एक विवाह समारोह में बंटी बबली की हाथ की सफाई, 7,97,000 के माल लेकर बंटी बबली फरार। और विदर्भवादी नेताओं ने किया केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में कोविड 19 के नए संक्रमित एक साथ मिले हैं। इसमें शिवाजीनगर के एक ही परिवार के 9 लोगों का समावेश है। अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है, जबकि ओमिक्रॉन के नए खतरे के मद्देनजर यह आंकड़ा हैरान करने वाला बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने फिर दुनिया को डरा दिया है, जिसके कारण हर उस शख्स पर नजर रखी जा रही है जो विदेश से आया है। और इसी बीच नागपुर में मंगलवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मिलने का स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है, जिसमें शहर के 16, ग्रामीण के 2 और जिले के बाहर का एक संक्रमित है। जिले में आज 2,941 नमूने जांचे गए। नागपुर से 30 लोग हैदराबाद में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। इसमें शिवाजीनगर के लोग पॉजिटिव आए। नागपुर लौटने पर उन्होंने जांच कराई गई थी, जिसमें से एक परिवार के कुल 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। करीब 4 महीने बाद इतने लोगों का अचानक कोरोना संक्रमित होना हैरान करने वाली बात है, जिसे देखते हुए प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है। विवाह समारोह में एक ओर जहां घराती और बाराती होते हैं, वही दूसरी ओर मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले भी पहुंच जाते हैं। इन्हीं में से कुछ सातिर चोर भी भीड़ का फायदा उठाकर सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं सामने आ गई है। इसके बावजूद लोग है कि सतर्कता नहीं बरतते। यशोदानगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां युवक व युवती ने दुल्हन के कमरे में घुसकर 7,97,000 के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल पूरन चंद जैन ने अपनी बेटी के विवाह के लिए कलमना रिंग रोड पर स्थित हमलोक विला एंड लॉन किराए पर लिया था। विवाह से पहले संगीत समारोह था, शाम के वक्त मेहमान आने लगे थे। इस बीच एक युवक और युवती भी समारोह में आई, पहले सारी परिस्थिति का जायजा ले लिया। लॉन में दुल्हन के तैयार होने के लिए एक कमरा बनाया गया है, इसमें सभी मेहमानों के बैग भी रखे हुए थे। रात में संगीत समारोह शुरू होने के साथ ही सभी बाराती लॉन में इकट्ठा हो गए। इसी बीच चोर दंपति ने कमरे में घुसकर एक बैग चुरा लिया। इसमें सोने चांदी के जेवरात सहित 2 मोबाइल और 3.25 लाख रुपए नगद रखे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब दुल्हन सहित अन्य रिश्तेदार कमरे में पहुंचे, तब बैग नदारद था। पूछताछ करने पर किसी को भी जानकारी नहीं होने की बात सामने आई। सीसीटीवी खंगालने पर एक युवक व युवती बैग लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पृथक विदर्भ राज्य की मांग 1905 से की जा रही है, किंतु विदर्भ राज्य निर्माण करने का केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद के सभागृह में दी। विदर्भ राज्य निर्माण की आस लाकर संघर्ष कर रहे विदर्भवादियों और संगठनों में रोष की लहर व्याप्त है। केंद्र के बयान के बाद विदर्भवादियों का गुस्सा भड़कता दिख रहा है। इसके चलते यवतमाल शहर में जिला विदर्भ जन आंदोलन समिति व जय विदर्भ पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के इस बयान का कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के नेताओं का प्रतिमात्मक पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने कहा है कि वास्तविक तौर पर केंद्र सरकार को पृथक विदर्भ राज्य निर्माण करने के लिए गठित दार आयोग, वीपी कमेटी, राज्य पुनर्रचना आयोग की संगमा समिति तथा अन्य समितियों ने विदर्भ राज्य निर्माण होने पर पूरी तरह सक्षम होने की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। इसके अलावा भाजपा ने तो 1997 में भुवनेश्वर के पार्टी अधिवेशन में स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित कर विदर्भ निर्माण की मांग तत्कालीन केंद्र सरकार को की थी। इसके अलावा 2014 के चुनाव के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी अलग विदर्भ राज्य बनाने का लिखित आश्वासन दिया था, जबकि आज भी विदर्भ आंदोलन समिति के अध्यक्ष वामनराव चटप के नेतृत्व में स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाना चाहिए। इसके लिए प्रखर आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व के विदर्भ
भाजपा आग्रही नेता सत्ता में आने के बाद अपने आश्वासन भूल चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोई जानकारी नहीं लेकर विदर्भ राज्य निर्माण का कोई प्रस्ताव ही केंद्र के पास नहीं होने की जानकारी देकर केंद्र सरकार ने इससे खुद को मुक्त कर दिया है, जिससे विदर्भवादी संगठनों में रोष है। केंद्र के इस कदम का विरोध जताते हुए जिलाध्यक्ष कृष्णाराव भोंगाड़े के नेतृत्व में यवतमाल में इसका तीव्र निषेध जताते हुए केंद्र सरकार का प्रतिमात्मक पुतला जलाया गया। गोंदिया से सटे बालाघाट जिले के बिरसा क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी रोड लोडर मशीनों को नक्सलियों द्वारा आग लगाने की घटना अभी दो दिन पहले ही सामने आई थी कि नक्सलियों ने फिर से सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीनों और दो ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया है। दो दिनों में नक्सलियों द्वारा निर्माण कार्यों को निशाना बनाने की मंशा से की गई वारदात से जाट ठेकेदारों में भय का माहौल है। वही पुलिस की पैनी निगरानी के बावजूद नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 4 दिसंबर की सुबह बिरसा थाना अंतर्गत मछुरदा चौकी के मछुरदा के कोरका में देवरबेली से मालकुआ के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगी रोड रोलर मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े की हत्या का बदला बताया था। साथ ही 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य को बंद करने का आह्वान किया था। इसी विषय को लेकर 6 दिसंबर की रात किरणापुरा थाना अंतर्गत किन्हीं चौकी से लगभग 15 किलोमीटर दूर चल रहे सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और मिक्सर को आग लगा दी। इसके बाद भी सड़क पर बैनर और पर्चे टांग दिए, जिसमें फिर 10 दिसंबर को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है। साथ ही लाल कपड़े में कामरेड जीवा उर्फ मिलिंद तेलतुंबड़े की हत्या का निषेध करते हुए लाल कपड़े पर लिखा संदेश और पर्चे भी छोड़े हैं। एनएमसी जोनल कमेटी के नाम से छोड़े गए लाल कपड़े में लिखे संदेश और पर्चे मिलने और सड़क निर्माण में लगी मशीनों में आग लगाने की घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है। वही सभी थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। दो दिनों के अंतराल में नक्सलियों ने दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किन्ही पुलिस चौकी क्षेत्र के कलकत्ता से बोदल झोला मार्ग पर नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जगह जगह पर्चे और एक बैनर टांगा गया है, जिसमें नक्सलियों ने 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को बंद करने का आह्वान किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पाटिल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश युवक कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव के लिए महावितरण का उपयोग किया जा रहा है। इस चुनाव के लिए उनके पुत्र कुणाल राउत भी प्रमुख दावेदार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने मुंबई में आयोजित पत्र परिषद में बताया कि सोमवार को वाशी नवी मुंबई में एक बैठक में महावितरण के अधिकारियों की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें महावितरण के कर्मचारियों के साथ साथ ठेकेदारों को चुनाव के लिए पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया था। इस काम में मदद के लिए ऊपर से दबाव है और महावितरण के अधिकारी इस तरह की भाषा में बोलते दिख रहे हैं कि अगर वे इस काम में मदद करते हैं तो ठेकेदारों को उचित इनाम मिलेगा और अगर वे मदद नहीं करते हैं तो उन्हें फल मिलेगा। विक्रांत पाटिल नवी मुंबई भाजपा जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले, प्रशांत कदम और अन्य कार्यकर्ता बैठक स्थल पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। इस दौरान मंच पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को महावितरण के एक अधिकारी की डायरी मिली। डायरी में ऊर्जा मंत्री के सुपुत्र को चुनाव में कैसे मदद करनी है, इस पर नोट्स है। संबंधित अधिकारी के खिलाफ महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। पाटिल ने कहा
की वार्षिकी घटना ने साबित कर दिया है कि ऊर्जा मंत्री ने अपने पुत्र के चुनाव के लिए महावितरण की यंत्रणा को बनाया है। नितिन राउत को इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तुरंत ऊर्जा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। आपल्याला माहिती आहे की युवा काँग्रेसची अंतर्गत त्यांची निवडणूक ही सध्या सुरू आहे। राज्यभराच्या प्रदेशाध्यक्षापासून अनेक पदांसाठीची ही निवडणूक आहे। त्यांच्या निवडणुकीला आमच्याकडनं मनापासून शुभेच्छाच आहे, पण आमचा आक्षेप हा आहे की या राज्याचे ऊर्जा मंत्री सन्माननीय नितीनजी राऊत जे या मागच्या संपूर्ण कारकिर्दीमधले सगळ्यात अयशस्वी ऊर्जा मंत्री म्हणून समोर आलेले आहेत आणि राज्याच्या ऊर्जा विषयाच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांपासून युवांपर्यंत सगळ्यांच्या आयुष्याची माती करणारे ऊर्जा मंत्री म्हणून ते समोर आले आणि राज्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देता स्वतःच्या मुलाच्या भविष्याची चिंता अधिक करणारे ऊर्जा मंत्री म्हणून त्यांचं दुसरं रूप आता आपल्याला बघायला मिळतंय। ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांचा सुपुत्र कुणाल राऊत हा या निवडणुकीला उभा आहे आणि या निवडणुकीमध्ये नितीन राऊत यांच्याकडे असलेल्या ऊर्जा खात्याच्या महावितरणचे सगळे अधिकारी त्या ठिकाणी दावणीला बांधण्याचं काम काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचं काम नितीन राऊत यांच्याकडनं होताना बघायला मिळत आहे। संपूर्ण राज्यात हा प्रकार सुरू आहे, अनेक ठिकाणी या अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत आहेत, भरून प्रेशर आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून खाली कंत्राटदार कर्मचारी यांच्यावर प्रेशर केलं जात आहे की युवक काँग्रेसच्या या निवडणुकीमध्ये माझा मुलगा निवडून आला पाहिजे म्हणून तुम्ही यंत्रणा लावा, जास्तीत जास्त नोंदणी करा आणि तुमचे सगळे कर्मचारी त्या विषयात लावून माझ्या मुलाला राज्याचा अध्यक्ष करायचं हे स्वप्न नितीन राऊत हे बघत आहे। त्या ठिकाणी काम करताना आम्हाला त्या ठिकाणी डायरी त्यांची जी समोर मिळाली त्या डायरीमध्ये ही महावितरणची डायरी होती, अधिकृत डायरी त्यांची आणि त्याच्यावरती डीएस धनगर यांची ही डायरी आणि त्याच्यामध्ये काँग्रेसच्या उमेदवाराला निवडून आणण्याची स्ट्रॅटेजी ही सगळी त्याच्यामध्ये त्याची लिहिलेली होती। म्हणजे एमएससीबीचे अधिकारी कामाच्या दिवशी, सुट्टीच्या दिवशी नाही कामाच्या दिवशी ड्युटीवर असताना त्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बैठक घेऊन काँग्रेसच्या उमेदवाराला कसं निवडून आणणार त्याचे प्लॅनिंग देत आहेत। त्या क्लिप मध्ये आपल्याला बघायला मिळेल की किती आयडियाज वापरून कशा कशा पद्धतीने नोंदणी करा। अर्बन एरियामध्ये जाल, बिल्डिंग मध्ये जाल तर सुशिक्षित नागरिक प्रश्न विचारतील, तुम्ही स्लम मध्ये जास्त नोंदणी करा ती कशी करा, त्यासाठी त्यांना किती एका मताला किती पैसे द्यायचे, अशा सगळ्या प्रकारची चर्चा त्या क्लिपिंगच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळेल। आणि त्यामुळे हे दुर्दैवी आहे की राज्याचे ऊर्जा मंत्री त्यांच्या कामावर लक्ष न देता अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती फक्त स्वतःच्या मुलाचं भविष्य सिक्युअर करण्यावरती लक्ष देत आहेत। आमचं या ठिकाणी आमची मागणी आहे की राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे। ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण के अध्यादेश पर स्थगिति ये महाविकास आघाड़ी सरकार की नाकामी है, ऐसा आरोप पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने लगाया है। राज्य सरकार के विरोध में कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, तब वे बोल रहे थे ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में महाआघाड़ी सरकार काल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ओबीसीच्या आरक्षणावर स्थगिती दिली। हे उद्धव ठाकरे सरकार या राज्याच्या जनतेसोबत कधीपर्यंत विश्वासघात करणार आहे? या राज्यामध्ये 52% ओबीसीचं मतदान आहे, 52% ओबीसीची लोकसंख्या आहे आणि 27% आरक्षण मिळावं माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी वारंवार सांगितलं होतं की आमच्या काळामध्ये आम्ही 27% आरक्षण दिलं आहे, परंतु हे सरकार, हे उद्धव ठाकरेची गद्दारीवाली सरकार, या सरकारने ओबीसीच्या जनतेसोबत वारंवार विश्वासघात केला आहे आणि म्हणून येणारी जी महानगरपालिकेची निवडणूक आहे जोपर्यंत 27% आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत ह्या निवडणुका काही होणार नाही, अशा प्रकारची भारतीय जनता पक्षाची ही भूमिका आहे। वारंवार आपण पाहत असाल का या राज्यामध्ये या सरकारचे याकडे बिलकुलच लक्ष नाही आहे।
हे सरकार भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त सरकार आहे. विकासाच्या माध्यमातून झिरो ठरलेलं हे सरकार आहे. आज काल अगर पेपरामध्ये वर्तमान पेपरले तुम्ही आज वाचले असेल की महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे अध्यक्ष सांगतात याच्यात बी भाजपचा हात आहे. मला आश्चर्य वाटते, आपल्याला बी आश्चर्य वाटू नये. झोपीमध्ये अगर ते अध्यक्ष उठले तेव्हा बी ते केंद्र सरकारच्या हात सांगते, झोपताना बी केंद्र सरकारच्या हात सांगते, उद्या त्यांना बायकोनी झापड मारली तरी ते केंद्राच्या हात सांगेल. अशा प्रकारची व्यवस्था या राज्य सरकारच्या अनेक नेत्याची झाली आहे. आणि म्हणून लगातार या OBC समाजावर अन्य समाजावर बी फार मोठ्या प्रमाणात, चाहे मराठा समाज असो की धनगर समाज असो, अनेक समाजावर अन्यायकारक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आणि आज OBC समाजावर झालेला अन्याय हे राज्याची जनता सहन करणार नाही. आणि जोपर्यंत 27% आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 21 दिसंबर 2021 को होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव और उपचुनाव में OBC वर्ग की सीटों के लिए चुनाव को स्थगिति दी गई है. यह जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त UPS मदान ने दी. राज्य चुनाव आयुक्त UPS मदान ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 106 नगर पंचायतों, भंडारा और गोंदिया जिला परिषदों और 15 पंचायत समितियों के लिए चुनाव 21 दिसंबर 2021 को होंगे. चार नगर निगमों में 4 रिक्तियों और 4,554 ग्राम पंचायतों में 7,130 सीटों के लिए उपचुनाव भी 21 दिसंबर को ही होगा. मुंबई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के अधीन चुनाव घोषित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद इन सभी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए चुनाव अब स्थगित कर दिया गया है. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य सीटों के लिए चुनाव पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा. नागरिकों के पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए स्थगित चुनाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील में संतरे का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है. इस क्षेत्र में 10,712 हेक्टेयर अर्थात 26,780 एकड़ क्षेत्र में संतरे का उत्पादन लिया जाता है. जानकारों की माने तो हजारों किसान परिवार इसी फसल पर निर्भर रहते हैं. अंबिया बहार का संतरा 2 माह पहले ही बाजार में आया, लेकिन संतरा प्रक्रिया उद्योग के अभाव में किसानों को कौड़ी के भाव में अपना संतरा बेचना पड़ा. अब सीजन खत्म होने पर है, परंतु अभी भी भाव में उठाव नहीं आने से संतरा उत्पादक किसान चिंतित नजर आ रहे हैं. 50 mm साइज के कम वाला संतरा प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है. इससे बड़े साइज वाले संतरे खाने के लिए बेचे जाते हैं. केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगाना और दिल्ली यह राज्य टेबल फ्रूट के हैं. यहाँ पर लगातार बारिश होने से संतरे की मांग काफी कम हो गई. बांग्लादेश में निर्यात होने वाले संतरे को अपेक्षानुसार भाव नहीं मिल रहा. मध्य प्रदेश व राजस्थान में संतरा का बुआई क्षेत्र बड़े पैमाने में बढ़ा है, जिसके चलते 30,000 से 35,000 रुपए प्रति टन भाव वाले संतरे की मांग अब 15,000 से 17,000 रुपए प्रति टन के भाव से बेचा जा रहा है. संतरा फसल दो बहार में ली जाती है. अंबिया बहार की फसल अक्टूबर से दिसंबर माह में और मृग का उत्पादन फरवरी से मार्च माह में लिया जाता है. इन दोनों बहारों पर संतरा उत्पादक किसानों की जीवन निर्भर रहता है, परंतु इस वर्ष मृग बहार काफी कम पैमाने में है. एक हेक्टेयर में 277 पेड़ होते हैं, एक एकड़ में 110 और एक पेड़ के पीछे 500 रुपए का खर्च किसानों को आता है. अमूमन एक एकड़ में 203 टन का उत्पादन मिलता है. इसके अनुसार प्रति एकड़ में 30,000 से 35,000 रुपए का उत्पादन और 60,000 रुपए खर्च ऐसी स्थिति है. नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील में 10,712 हेक्टेयर में संतरे के बगीचे उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 7 से 8 टन पर है. काटोल का मल्टीलाइन प्रक्रिया प्रकल्प और 500 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज 30 वर्षों से बंद पड़ा है. दक्षिण भारत में लगातार हो रही बारिश के कारण संतरे को भाव नहीं मिल रहे हैं. दक्षिण भारत की बारिश का असर नरखेड़ तहसील के संतरा उत्पादक किसानों पर हो रहा है. 30,000 से 35,000 रुपए भाव वाला संतरा आज की स्थिति में 12,000 से 17,000 रुपए टन बिक रहा है, जिससे साल भर खर्च किया गया पैसे भी किसानों को निकालना मुश्किल हो रहा है. संतरा प्रक्रिया उद्योग और कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता होती तो संतरा उत्पादकों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती और ना ही उनका इतना नुकसान होता. यह सुविधा नहीं होने से संतरा काफी कम भाव में बेचा जा रहा है. ऐसे में संतरा प्रक्रिया प्रकल्प की दरकार है. तो आज के सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी.